लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। रविवार को एक्सप्रेसवे के 22वें माइलस्टोन पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार में बैठे 6 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान एक महिला की मौत हो गई। अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। ये दर्दनाक हादसा आगरा के फतेहाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का है। फरुखाबाद के मोहल्ला आजाद नगर निवासी आशुतोष गुप्ता, पुत्र महेश चंद्र गुप्ता, अपनी माँ माया देवी, बहन मृगन नयनी, पत्नी विभा, पुत्री सोनवी और पुत्र आरुष के साथ कार से फरुखाबाद से अहमदाबाद जा रहे थे। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फतेहाबाद थाना क्षेत्र के 22वें माइलस्टोन पर उनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर के बाद कार कई बार पलटे खाते हुए एक्सप्रेसवे पर पलट गई। दुर्घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही यूपीडा की सेफ्टी वैन फतेहाबाद पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान माया देवी की मौत हो गई। कार तेज रफ्तार से आ रही थी, इसके कारण ही मामूली मोड़ पर कार अनियंत्रित होने के बाद डिवाइडर से जा टकराई। पुलिस का कहना है कि ओवर स्पीड के कारण यह हादसा हुआ। पंजाब केसरी के लिए आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट।